नीड्स टेलर लेडीज और जेंट्स के लिए बेहतरीन टेलरिंग शॉप करीब महावीर चौक गोलथाना बंगी कुंटा रोड रायचूर। कॉन्टैक्ट के लिए 9448229359। नाज़रीन आदाब, A1 टीवी उर्दू रायचूर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबर यह है, नायब वज़ीर आला और जिला इंचार्ज वज़ीर लक्ष्मण सादी की सदारत में इजलास। शहर के जिला पंचायत इजलास हाल में आज रियासत के नायब वज़ीर आला और रायचूर जिला इंचार्ज वज़ीर लक्ष्मण सादी की सदारत में कोरोना से मुतालिक हिफाजती इकदाम का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जानकारी देते हुए जिला डिप्टी कमिश्नर वेंकटेश कुमार ने बताया कि जिले के सरकारी क्वारंटाइन में अगरचे 109 अफराद को रखा गया है, मगर खुशी की बात यह है कि एक भी कोरोना केस जिले में पॉजिटिव दर्ज नहीं किया गया। इन्होंने कोरोना के रोकथाम के लिए जिले में किए जाने वाले इकदाम की तफसीलात पेश की। जिला SP वेदामूर्ति ने जिले में किए गए पुलिस बंदोबस्त और दीगर हिफाजती इकदाम के मुतालिक जानकारी दी। इजलास की सदारत करते हुए वजीर लक्ष्मण सादी ने कहा, जिले में शराब की फरोख पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। अगर कोई शख्स गैर कानूनी शराब, सेंधी, दारू फरोख करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्रा और तेलंगाना में कोविड-19 के केस ज्यादा हैं, लिहाजा आंध्रा और तेलंगाना से आने वाले किसानों की फसल खरीदने से गुरेज किया जाए। इस मौके पर जिला सतह के दीगर ओहदेदारान भी इजलास में मौजूद थे।